सबई जनन का नमस्ते और सलाम। आजकल जी हो देखो वही कोरोना की बात करत है, हमके टीवी रेडियो और मोबाइल से जानकारी मिल रही है, लेकिन हमें ई जानकारी खास तौर पे जनी और मोड़ियन के लाने कराए जौन दूर दराज के गांवन में है, जहाँ उनके पास में जानकारी पूरी और सरल भाषा में नहीं पहुँच रही है। लॉकडाउन यानी बंदी के ई माहौल में इनके बारे में जानकारी ले बहुत ही मुश्किल आए। तो सबसे पहले हम जाना थे कि कोरोना का है। आजकल तो इतो बुरो बका चल रहा है कि कौन खांस रहा है, जब भी फोन लगाओ तो डरावने सी खांसी सुनाई देते हैं। जब मैंने पहली बारी को सुनो तो मैं तो डर गई हती। मुझे लागो कि जैसे जी के मैंने फोन करो कहीं ओई तो बीमार नहीं हो गया है। जैसे कि आप सबे जाना था कि कोरोना वायरस के कारण हम सभी कठिन वक्त से गुजर रहे, आए दिन हम मौत की खबर रोह कपा दे रहे हैं। ये तो सच है कि पूरी दुनिया बहुत बड़ी परेशानी के वक्त से गुजर रही है, लेकिन हमें इसे डरबे की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही ई बीमारी से बचबे के लाने सावधानी बरते की बहुत ही जरूरत है। तो आपके बता देवे कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है जो चीन देश के वुहान शहर से शुरू भई थी और अब लगभग पूरी दुनिया की चपेट में आ गई, मतलब फैल गई पूरी दुनिया में। ई बीमारी नई है, यही के लाने हमारे शरीर में इसे लड़वे की ताकत कम है, साथ ही की दवाई भी तो नहीं अभी तक बनी है। और ई बीमारी के लक्षण बहुत ही हद तक सर्दी जुकाम से मिलत जुलत हैं, जैसे बुखार जुकाम, सांस लेवे में तकलीफ और मूड में तेज दर्द होते हैं, गले में खराश भी। कछु मरीजन में तो सुनबे में आओ है कि श्वास ले में और कबों कबों दस्त जैसे परेशानी भी सामने आई है। तभी तो हम सब जनन का जे पता लगा वो बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है कि कभी आम खांसी जुकाम है और कभी कोरोना वायरस के शिकार हो गए। जैसे कि जब बीमारी सबई के लाने खतरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जानलेवा बूढ़न और नौजवान शिशुअन के साथ आ है। जीखे दिल की बीमारी, डायबिटीज यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की अन्य बीमारी हैं, तो ई लोगन खासो खास कर ध्यान देवे की जरूरत है। अब जाने की जरूरत है कि बीमारी से हम सबन के कैसे सावधानी बरते का चाहिए। ई बीमारी के लेके बहुत ही अफवाहें उड़ी हैं, जैसे कछु लोग कह रहे हैं कि नाक पे दारू लगाए से ई बीमारी से बचो जा सका थे, या बहुत ही गर्म खाना खावे से वायरस जर जाते, ना जाने काका। तो आप इन सब अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। माना कि जब बीमारी बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा भी है, लेकिन हम कछु सावधानी कर भी तो इसे बच सकते हैं। तो आप सब जने भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं। ई बीमारी से बचबे के लाने बेर बेर हाथ खा साबुन से धोने हैं। हाथ धोबे से कोरोना वायरस नाक आँख और मुँह में नहीं जा सकते है। ई के लाने साबुन से बेर बेर 20 सेकंड तक हाथ धोने की बहुत ही ज़रूरत है। खांसत और छींकत बकत रुमाल या गमछा मुंह पे लगा की ज़रूरत है। फिर रुमाल और गमछा के साबुन से अच्छे से धो लें और धूप में सुखा लें। वे गमछा या रुमाल नहीं है तो खांसत और छींकत बकत अपने घुटी के मोड़ कर खांस और छींक सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना हाथ धोए अपने आँख नाक और मुँह के ना छुएं। जीखें जो बीमारी है उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमारी महसूस करते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर का दिखाएं। ई तो हो रही सावधानी सबके लाने। ई बीमारी के वक़्त लॉकडाउन की वजह से सभी जने घर पे भिड़े हैं। इसे गाँवन और दूर दराज के इलाकन में राशन और जरूरी सामान नहीं पहुंच रहा। ई के लाने सरकार और कछु संस्थाएं राहत सामग्री पहुंचावे को काम कर रही हैं, जो कि ई संकट की घड़ी में बहुत ही ज़रूरत है। ई काम में लगे लोगन को सावधानी से राहत को काम करने हैं, जिसे ई बीमारी कोनो घना हो जाए। अरे हम डराउत नहीं हैं, बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि आप सब लोगन की मदद कर पाएँ। तो आप जब भी बाहर जाएं तो अपने शरीर के पूरी तरह से ढक लें। 1 मिनट, मैं ज़्यादा रोडवे की बात नहीं कर रही हूँ।
खुद को पूरी तरह ढकबे को मतलब है फुल बाजू को कपड़ा पहने, सर को दुपट्टा से ढकें, नाक और मुंह पर मास्क लगाएं, मास्क को बिल्कुल भी ना छुएं, कोनों से नमस्ते आदाब करने हैं सो दूरी से करें, राहत को जो भी सामान दे रहे हैं सो सबसे पहले अपने हाथ हल्के साबुन से धोएं और सैनिटाइजर लगाकर कस के साफ करें, क्योंकि भी सहायता करत समय सामान हाथ से ना दें। ई खिलाने दी जाए वाले सामान कोनों की टोकरी टेबल में रख दें और लोगन का करीब 1 मीटर की दूरी बनाए हुए लाइन बनवाएं। सबई है कहें कि पहले साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करूं के बाद सामान उठावें। आप सब जब घर पहुंचे तो पहले द्वारे पे अपने जूता उतारें और ध्यान रखें कि द्वारे पे साकर कूची घंटी जहां तक हो हाथ से न छुएं, मोड़ा मोड़ियन का कछु न छुएं, सीधे नहावे को जावें। सबसे पहले दस्ताने उतारें और साबुन लगा के सपरें, अपने कपड़ा और ननखें साबुन से फींच कर धूप में सुखाएं। काहे के अगर आप जने स्वस्थ हैं तो जवई लोगन की मदद कर सकत हैं। ई के लाने सावधानी बहुत जरूरी है, वो कहा देना सावधानी हटे दुर्घटना घटे। जा जानकारी निरंतर और खबर लहरिया के संयुक्त सहयोग से भेजी जात है। ई की स्क्रिप्ट खबर लहरिया की सीनियर प्रोड्यूसर लक्ष्मी शर्मा की है और आवाज़ खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर सुनीता प्रजापति की है।